नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रीना राय आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। आज मैं एक छोटे से पत्ते के बारे में बताऊंगी। इसमें बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं और ये बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है। आज मैं बता रही हूँ पीपल के पत्ते के बारे में। पीपल का पेड़ एक औषधीय वृक्ष की श्रेणी में तो आता ही है, ये आप लोग सभी जानते हैं। शहतूत परिवार मोरेशी से ये संबंधित पीपल के पेड़ को बड़े पत्ते होने के चलते वो पेड़ या बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पीपल का पेड़ जिसे ब्रॉडलीफ सदाबहार पेड़ भी कहा जाता है, उसके पत्तों में कितने विटामिन्स पाए जाते हैं दोस्तों, आज ये सब सारी बातें बताएंगे कि कितनी बीमारी में ये काम करता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में फायदा करता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। तो इसमें ग्लूकोज, फेनोलिक, मिनोस समेत कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। वही इसकी छाल में विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये पीपल फटी एरियों से लेकर मौखिक स्वास्थ्य तक हर तरह की परेशानी में काम आने वाली औषधि है। सबसे पहले तो जानते हैं ओरल हेल्थ के लिए पीपल का पेड़ दांतों के लिए भी बहुत उपयोगी है। मुंह की दुर्गंध से लेकर दांतों की चमक तक पीपल के पत्तों से तैयार होने वाली तेल हर जगह कारगर साबित होती है। इसमें एस्टेराइड, फ्लेवोनोइड्स और एल्कलाइट्स नाम के बायो एक्टिव यौगिक मिलते हैं जो ओरल हेल्थ के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती है। जिनको पायरिया है, दांत पीले हैं, तो पीपल के पत्ते ये बहुत ही फायदा करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है। पीपल के पत्ते को पेस्ट बनाएं और अपने दांतों पर धीरे धीरे इसको मलें। इससे पायरिया आपके दांत की बिल्कुल ही चली जाएगी और आपके दांत जो पीले दिख रहे थे वो बिल्कुल ही चमक जाएंगे। नंबर टू, ये हील्स पर भी बहुत फायदा करती है। गर्मी के मौसम में कई बार स्लीपर्स न पहनने के कारण हमारी एरिया फट जाती है, जिनमें मौसम बदलने के साथ ही दर्द और ड्राइनेस महसूस होने लगता है। अगर आपकी एरिया एंकल्स भी फट रही है और उसमें से आपको ब्लड बह रहा फिर दर्द हो रहा है, तो आप क्रैक हील्स पर पीपल की पत्तियों के पेस्ट को गुलाब जल में मिलाकर वहां पे लगाएं ताकि आपकी एरिया जल्दी स्वस्थ हो जाए। जिनकी त्वचा सेंसिटिव है, एलर्जी है, सर्दियों में अक्सर गर्म कपड़े पहनने से कई बार होता है स्किन एलर्जी की समस्या हो जाती है। स्किन एलर्जी में त्वचा का लाल हो जाना, उस पर बार बार खुजली होना, ये सामान्य सिम्टम है। अगर आपकी त्वचा भी सेंसिटिव है और उस पर रैसेज होने लग गया या फिर बाल तोड़ या फोरे फुंसियाँ निकल रहे हैं, तो पीपल की पत्तियों को तोड़ कर उन्हें धो लें और फिर उनका एक पेस्ट बना लें और फिर उस पे लगा लें और वो पेस्ट बनाकर उस फोरे फुंसियों या रैसेज वाली जगह पे अप्लाई करें। इसके अलावा आप पीपल की छाल की राख में नींबू और घी मिलाकर एलर्जी वाले स्थान पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या जो थी जो अपने आप ठीक हो रही है। इसके अलावा पीपल के पत्तों का काढ़ा भी बनाकर आप पी सकते हैं। यदि आपकी त्वचा संबंधित समस्याएं हैं तो इसको काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए 5 से 6 पत्ते एक गिलास पानी में उसको उबालिए। जब तक आधा गिलास पानी ना हो जाए तब तक उसको उबालते रहिए और फिर आधा गिलास पानी हो जाए तो उसको हल्का गुनगुना रहे तो उसको आप पी लें। इससे आपको जो त्वचा संबंधी समस्याएं हैं जो बिल्कुल ही ठीक। यदि आपको बहुत ही स्ट्रेस रहता है तो
क्या करना है, पीपल की पत्तियाँ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं दोस्तों, तो आपको करना ये है इसे सप्ताह में 1 से 2 बार ऐसे ही चबा लें, तो इससे न केवल आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी बल्कि ये एंटी एजिंग की समस्या भी अपने आप हल हो जाएगी। ये शरीर को भी डिटॉक्स करता है। पीपल के पत्तों को उबालकर पानी पीने से शरीर डिटॉक्स हो जाता है और शरीर में जो जमी गंदगी है जो बाहर आ जाती है। इसे बनाने के लिए पीपल के 4 से 5 पत्तों को 1 गिलास पानी में उबाल लें और फिर जब वो आधा रह जाए तो छान कर उसे पी लें। पीपल के पत्ते उबाल कर पीने के फायदे बहुत सारे हैं दोस्तों। ये डायबिटीज रोगियों में भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। ये हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करने में और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने और हाई बीपी को भी कंट्रोल करने में मददगार है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी मददगार है। ये शरीर और रक्त में मौजूद हानिकारक कणों और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। यह पाचन को भी दुरुस्त करने में लाभकारी है। पेट संबंधी समस्याएं जैसे पेट में गैस, कब्ज, अपच, ब्लोटिंग, उल्टी, दस्त आदि से छुटकारा दिलाने में ये काफ़ी मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाता है। यह मेमोरी पावर बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है। यह फेफड़ों को स्वस्थ रखने और सांस संबंधी समस्याओं को भी रोकने में मदद करता है। फंक्शन को भी ठीक रखने और स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी पीपल के पत्तों का पानी सेवन करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, खासकर उन्हें जो गर्भवती हों या स्तनपान कराने वाली महिलाओं, छोटे बच्चों और बूढ़े या बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि कुछ मामलों में इससे उनकी सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।